नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। देश में 5 राज्यों में हुए चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस को किसी भी राज्य में प्रभावशाली प्रदर्शन न कर पाने के कारण कांग्रेस में अब घमासान मचा हुआ है और नए अध्यक्ष की मांग फिर से शुरू हो गई है और अब पायलट को अध्यक्ष बनाने की मांग तेज हो गई है। देखिए प्राइम टीवी की इस खास रिपोर्ट। देश के 5 राज्यों में बुरी हार के बाद कांग्रेस में विरोधाभास के स्वर तेज होने लगे हैं। वहीं एक बार फिर से पार्टी अध्यक्ष का मुद्दा खड़ा हो गया है। साथ ही कांग्रेस की कमान किसी युवा नेता को सौंपने की मांग कर रहा है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस G23 नेताओं ने भी बैठक कर कमान युवा नेताओं में सौंपने की मांग की है। इसी बीच राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को पार्टी अध्यक्ष नियुक्त करने की मांग उठने लगी है। कांग्रेस से निलंबित किए गए संजय झा ने ट्वीट कर लिखा कि अब वक्त आ गया है कि पायलट को कांग्रेस का नेतृत्व करने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। पायलट मेहनती हैं, 24 घंटे काम करने वाले हैं, जीत के लिए जुझारू हैं और अच्छे वक्ता हैं। इसके अलावा संजय झा ने अपने ट्वीट में 5 राज्यों में कांग्रेस को मिली हार के बाद संगठन के स्तर पर बड़े पैमाने पर बदलाव की मांग की है। संजय झा के अलावा उद्योगपति रिजू झुनझुनवाला ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का समर्थन किया और लिखा कि 2019 में अजमेर लोकसभा से उम्मीदवार के तौर पर मैं पूरे दिल से आपके सुझाव का समर्थन करता हूँ। मैं लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि पायलट सक्षम है। सवाल ये है कि क्या वे इसके लिए तैयार होंगे। अगर हाँ करते हैं तो इससे अच्छा विकल्प कोई और नहीं होगा। वहीं इन दोनों नेताओं के अलावा कांग्रेस को मिली हार के बाद सोशल मीडिया पर कई पायलट समर्थक भी सक्रिय हो गए हैं। दूसरी ओर मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध सिंह ने भी 5 राज्यों में मिली हार का जिम्मा कांग्रेस के पुराने नेताओं पर सौंपते हुए सचिन पायलट को अध्यक्ष बनाने की मांग उठाई है। दरअसल साल 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद से कांग्रेस में फुल टाइम राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। हालांकि सोनिया गांधी कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर काम कर रही है और कांग्रेस में संगठन चुनाव का प्रोसेस चल रहा है। आपको बता दें कि अगस्त सितंबर में राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी को फिर से मौका मिलना तय माना जा रहा है। प्राइम टीवी से आरती तिवारी की रिपोर्ट। हमारी खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की और ताजातरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।